सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के जून महीने के मिस्ट्री शॉप के बारे में। और गाइस, मिस्ट्री शॉप के अंदर आप लोग को इलाइट पास मिलेगा या नहीं, या फिर गाइस कौन कौन सा बंडल देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो कुल मिला के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं फ्री फायर से रिलेटेड हर एक वीडियो यहाँ पर लाता रहता हूं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा न्यू ओपी वाला मिस्ट्री शॉप। तो सिंपली हम लोग यहाँ से अपने लक को ट्राई करेंगे और अचानक से यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और देखेंगे कि हम लोग को कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है। भाई साहब देख सकते हो, मुझे यहाँ पे 90% का डिस्काउंट मिला है, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, और आज तक मुझे इतना ज़्यादा डिस्काउंट कभी नहीं मिला। तो सिंपली हम लोग इसके अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इसके अंदर क्या क्या नया चीज़ देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये रहा मिस्ट्री शॉप का इंटरफेस। सबसे पहले गाइस हम लोग बंडल को देख लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा मेल बंडल, जो जिसके अगर लुक की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपी है। पिंक कलर के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपी बंडल आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा इस मिस्ट्री शॉप के अंदर। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को ये वाला मिस्ट्री शॉप का बंडल कैसा लगा। उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को इनक्यूबेटर का वाउचर मिल जाएगा, जिसकी प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 डायमंड देकर आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो, ये वैलेंटाइन डे वाउचर। अब गाइस ये क्या है ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो, ये रहा एक न्यू ओपी वाला बंडल, जिसकी प्राइस की अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ 149 डायमंड। अब गाइस इसकी लुक की अगर बात करें, लुक आप लोग देख सकते हो, लुक काफ़ी ज़्यादा ओपी है। इसके ऊपर से इस बंडल के अंदर आप लोगों को एनिमेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ गाइस आप लोग देख सकते हो, इसका हेयर हो गया। उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो, इसके मुंह के ऊपर एक अजीब सा मास्क यहाँ पे दिया गया है, जो कि गाइस मास्क की अगर बात करें तो गाइस आप लोग देख सकते हो, मास्क का लुक भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है। इसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो, ये रहा एक और बंडल। अब गाइस इस बंडल की लुक की बात करें तो गाइस इस बंडल का लुक मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को भी ये वाला बंडल पसंद नहीं आया होगा। इसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक और ओपी वाला बंडल डाला गया है। और गाइस ये वाला जो बंडल है, ये हमारा टाइगर वाला बंडल है। जब ये बंडल नया नया आया था तो काफ़ी ज़्यादा चलता था, बहुत सारे बंदे इसको यूज़ करते थे। तो गाइस इस बंडल की प्राइस की अगर बात करें तो गाइस आप लोग देख सकते हो, इसका भी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 149 डायमंड है। तीनों ही बंडल यहाँ पे 149 है। उसके बाद गाइस हम लोग सिंपली नीचे चलते, नीचे जाने के बाद हम लोग इसको देखते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को न्यू प्रपोज वाला इमोट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, आप लोग इससे किसी को भी प्रपोज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से गुलाब के फूल को देखकर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, इसका लुक काफ़ी ज़्यादा ओपी है। और गाइस बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो सिर्फ और सिर्फ 49 डायमंड देकर आप इस इमोट को ले सकते हो। इसके बाद गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यू बैकपैक के बारे में। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा न्यू कोबरा वाला बैकपैक। जब कोबरा इवेंट आया था तो गाइस ये वाला बैकपैक आप लोग को फ्री में मिला था, लेकिन गाइस अब ये फ्री में नहीं मिलने वाला। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो, सिर्फ 49 डायमंड देकर इसको ले सकते हो। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा न्यू कटाना का स्किन। अब गाइस ये जो कटाना का स्किन है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस सबसे नई जो चीज़ है, आप लोग देख सकते हो, मैंने आज तक किसी भी कटाना के स्किन के अंदर ये चीज़ नहीं देखा। देख सकते हो गाइस यहाँ पे कटाना का एक इमोट डाला गया है, मतलब ये जो इमोट है ना, मतलब ये मुझे ये भी पता नहीं चला कि शुरू कब होता है और ये ख़त्म कब होता है। आप लोग गाइस एक बार और देख लो इस इमोट को, कुछ इस तरीके का ये इमोट होने वाला है। इस इमोट की लुक की बात करें, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो कटाना का स्किन है, स्किन के अगर लुक की बात करें तो कटाना के स्किन के लुक भी बहुत ज़्यादा ओपी है। सबसे बढ़िया गाइस, जितना ही ओपी इसका लुक है उतना ही बढ़िया इसका इमोट भी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये रहा इसका इमोट। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को ये वाला कटाना का स्किन कैसे लगा, और उसके उससे भी ज़्यादा अच्छा कि आप लोग को ये वाला जो इमोट है ये कैसे लगा। और गाइस अगर ये हमारे सर्वर पर आता है तो गाइस क्या आप लोग इसको लेना पसंद करोगे, ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करते हैं इसके प्राइस की। तो गाइस प्राइस सिर्फ और सिर्फ 49 डायमंड है। उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे छोटा मोटा बॉक्स आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्राउन का आप लोग को बॉक्स मिल जाएगा, जिसके अंदर सब ये बॉक्स का पता नहीं मुझे क्या होता है, मतलब इसका ज़्यादा यहाँ पे मैंने खरीदा नहीं इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को न्यू पेट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी यहाँ पे बात तो नेम की बात कर तो बिस्टन है, जिसके यहाँ पे एबिलिटी है कि ये ग्रेनेड या फिर ग्लूबल को बहुत ज़्यादा दूर तक फेंक सकता है, ये इसका एबिलिटी है। इसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को शेरू कैरेक्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी एबिलिटी अगर कोई भी एनिमी आपको आपको एक भी गोली मारे तो गाइस उसका लोकेशन आप लोग को तुरंत
ये कैरेक्टर बता देता है। ये रहा इस कैरेक्टर की एबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा ओपी कैरेक्टर और हम लोग को शायद फ्री में मिला था। तो कुछ ये हो चुका है, अभी सिंपली हम लोग इसको स्विच करते हैं। सो कुछ सब देख सकते हो, स्विच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे वही नया वाला बंडल और सबसे ओपी आपको फीमेल बंडल भी देखने के लिए मिलने वाले। तो कुछ ये रहा हमारा न्यू फीमेल बंडल, जिसका यहाँ पे लुक की अगर बात करें, लुक काफ़ी ज़्यादा ओपी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को इस बंडल का लुक कैसा लगा। अब मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन गाइस इस बंडल का एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब गाइस आप लोग मुझे कमेंट में गेस करके बताना कि इस फीमेल बंडल का एक चीज़ मुझे क्या पसंद है। तो गाइस ये ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताना, मैं आप सबका कमेंट पढ़ूंगा और जिसका भी यहाँ पे जवाब सही होगा उसका मैं रिप्लाई भी दूंगा। तो गाइस ये हो चुका है। उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को इनक्यूबेटर का वाउचर मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6 डायमंड देके, जिसके अगर 15 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 90 डायमंड। इसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को वेपन रॉयल वाउचर मिलने वाला है, जिसका भी प्राइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुत कम है। यहाँ पे आप लोग अगर 15 को लेना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 75 डायमंड देना होगा। उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये रहा एक न्यू ओपी वाला बंडल। अब गाइस ये वाला बंडल मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं है कि बहुत दिन पहले आया था कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये वाला बंडल आया था कि नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये वाला बंडल आया था, अब गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, मतलब याद नहीं है, भूल गया मैं। उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो ये रहा पिंक वाला बंडल, जिसका यहाँ पे जो पैंट, ये पैंट काफ़ी ज़्यादा चलता था जब मैं शुरू में गेम खेलना शुरू किया था। उसके अलावा सब लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा न्यू बुइया वाला इमोट, जिसकी प्राइस की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 149 डायमंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं है फिर भी यहाँ पे ओपी है। उसके अलावा सब लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को और भी काफ़ी सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ गाइस आप लोग देख सकते हो ये रहा आप लोगों का एक न्यू ओपी वाला इमोट। जब के कैरेक्टर आया था तो ये वाला इमोट उसका ऑफिशियल इमोट था केक कैरेक्टर का, जो कि काफ़ी सारे बंदे ने उसके उस टाइम पर लिया था। उसके अलावा सब लोग देख सकते हो ये रहा आपका न्यू ओपी वाला ग्लूवल, जिसकी अगर बात करें तो इस ग्लूवल की लुक की अगर बात करें, लुक काफ़ी ज़्यादा ओपी है। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस ग्लूवल के अंदर जो कैरेक्टर है, क्या आप लोग उस कैरेक्टर को पहचानते हो? ज़रूर कमेंट में बताना कि ये कौन सा कैरेक्टर का पिक्चर है। उसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी आप लोग को वही कॉर्न बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सब लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को न्यू लौड़ा कैरेक्टर भी मिल जाता है, जिसकी एबिलिटी अगर आप लोग स्नाइपर चलाते हो तो ये वाला कैरेक्टर आप लोग यूज़ करना जरूर। इसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को दो तरीके का टोकन मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग को जो ईट माय डस्ट वाला जो इमोट है, ओपी वाला इमोट, ये इमोट भी देखने के लिए मिलने वाला है। ये वाला इमोट बहुत रेयर था, मतलब कम ही बंदे के पास था, अभी तो फिलहाल सभी के पास आ गया। तो गाइस ये था हमारे मिस्ट्री शॉप का फुल रिव्यू, लेकिन गाइस इसके अंदर आप लोग को इलाइट पास देखने के लिए नहीं मिला। अब गाइस इसके लिए दिल छोटा करने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस बहुत सारे सर्वर के अंदर हम लोग को मिस्ट्री शॉप के अंदर इलाइट पास देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे सर्वर के अंदर मिस्ट्री शॉप के अंदर इलाइट पास देखने के लिए नहीं मिलता। अगर गाइस हमारे सर्वर पे आता है तो गाइस हो सकता है उसके अंदर आप लोग को मिस्ट्री शॉप के अंदर इलाइट पास देखने के लिए मिल जाए। बाकी गाइस हम लोग तो आशा ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी होता नहीं है। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।